स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये खेतों की तस्वीर प्रथला विधानसभा के गांव हीरापुर की है, जहां बरसात के चलते खेतों में हो रहे धान की फसल खराब हो गई। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार बरसात के चलते हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा है, हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। इस फसल को हम मंडी में बेचने के लिए जाएंगे तो हमें इसके दाम नहीं मिल पाएंगे। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इन फसलों का मुआवजा दिया जाए ताकि कुछ भरपाई हो सके। प्रथला से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हीरापुर से है गांव। बालकिशन जी, भारी बारिश 3 दिनों से लगातार चल रही है, तो कितना नुकसान खेतों में देखने को मिल रहा है? नुकसान बहुत ज्यादा है, सारे गिरे पड़े हैं तो, और अभी तो कच्चे ही है, इनमें कुछ पैदा ही नहीं होगी। तो नुकसान है किसानों को, तो सरकार से क्या कुछ आप अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही है कुछ ना कुछ दे मुआवजा। तो बात करें धान की फसल की, और जो क्या क्या फसल आपने बोई है जिसमें नुकसान देखने को मिला? बाजरा बोया, बाजरा चौंटने के बाद सारा खत्म है को जी। अब जो बचे हो गिर पड़े हो, क्या करें जिम्मेदार बताओ। सर क्या नाम है आपका? टेकचंद जी, बारिश लगातार 3 दिनों से चल रही है, कितना नुकसान खेतों में देखने को मिला है? भारी नुकसान है, पानी भरा हुआ है खेतन में, ये जो है वो भी गल जाएगा, भारी नुकसान है खेतों में। तो सरकार से क्या कुछ आग्रह आप लोगों का है? सरकार हमारी कुछ मदद करे कि चूँकि ये इसमें पैसा लगाया, कहीं से उधार लगाया, वैसे कराए, ये पूरा नुकसान है हमारा। तो कहीं ना कहीं सरकार से मुआवजे की आप अपील कर रहे हैं? हाँ। क्या नाम आपका? कृष्णा कौशल। कृष्णा जी, लगातार 3 दिन बारिश हुई है, कितना नुकसान खेतों में देखने को मिल रहा है? सर 3 दिन लगातार बारिश हुई है, उसके कारण ये कम से कम घोंटू घोंटू पानी भर गया, जिससे फसल का पूरा नुकसान हो गया, 90% नुकसान है। जो अपने पकाप पे धान आए हैं उस वजन के कारण वो सब लौट गए नीचे। तो क्या कुछ सरकार से आप आग्रह करेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, जो किसानों का ये नुकसान होया है, कृपया ये थोड़ा बहुत मुआवजा दे के अपना गिरदावल वगैरह होते हैं उनसे अपना माय वगैरह करवा के अपना वो अपना मुआवजा दे जाए। क्या नाम है? राम कुमार जी, भारी बारिश लगातार 3 दिनों से चल रही है, किसान है आप, क्या कुछ नुकसान देखने को मिला? अब देखिए जी, 3 दिन से बारिश बहुत अधिक संख्या में यहाँ भारी मात्रा में हुई है यहाँ पर, तो किसानों की फसल को तो इन्होंने बर्बाद ही करके डाल दिया है बिल्कुल। अब फसल ना तो ज़्यादा पकने लायक रही है, और पकी हुई फसल थी जो इस तरह से लौट चुकी है, अभी इसी में गल जाएगी, सड़ जाएगी ना, तो अब इसको अगर कुछ निकालेंगे भी तो मंडी में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर इनका उचित रेट भी नहीं मिल पाएगा, ज़्यादातर फसल खराब ही हो चुकी है, और आपको देखने से पता चल रहा है कितना नुकसान है। सरकार से क्या कुछ आग्रह आप लोग कर रहे हैं? सरकार से तो हमारी यही अपील है कि उसकी जितना हो सके किसानों की मदद की जाए, उसकी गिरदावली कराई जाए, और उसके मुआवजा के रूप में जो राशि बने वो दी जाए, ताकि उसका कोई भरपाई हो सके।